थोड़ी दूर जाते हैं, कुछ ग्वाल वाल मिलते हैं, वो कहते हैं हम भी साथ चलेंगे। भगवान कहते चलो। मथुरा पहुंचते हैं, अक्रूर जी से कहा आप राजमहल जाइए, हम थोड़ा घूम कर आते हैं। अब वो अपने दोस्तों को घुमा रहे हैं, कपड़े दिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेला दिखा रहे हैं। फिर भगवान ने कहा कि आप थोड़ा मेला घूमिए, हम कुछ काम करके आते हैं राजमहल में, फिर आपको अंदर बुला लेंगे। क्योंकि वो भगवान ने काफी समय तक ये चाहा कि किसी को ये ना पता चले कि वो कौन है। वो चाहते तो ग्वाल वालों के सामने भी कंस को मार सकते थे, पर उन्होंने हर वक्त यही कोशिश की कि उनको ये ना पता चले कि मैं कौन हूं। तो भगवान कहते हैं कुछ काम करके फिर आपको अंदर बुलाते हैं, ठीक है। अब भगवान और बलराम जी जाते हैं तो द्वार पर ही, जो राजमहल था उसके द्वार पर एक धनुष लटका हुआ है। उस धनुष को केवल वो तोड़ सकता था जो कंस का काल हो। भगवान उस धनुष को देख रहे हैं, बलराम जी को देख रहे हैं। बलराम जी कहते काम शुरू कर दो, अब देर मत करो। अब वहां कई सेवक खड़े हैं, द्वारपाल खड़े हैं, वो सब देखकर हंस रहे हैं कि ये दो छोटे छोटे बालक धनुष को तो ऐसे देख रहे हैं जैसे बड़ा तोड़ देंगे। भगवान ने उस धनुष को ऐसे तोड़ा मानो एक छोटा सा बालक एक छोटी सी टहनी को तोड़ता है। अब भयानक आवाज होती है, वो आवाज कंस के कमरे तक जाती है। कंस समझ गया मेरा काल राजमहल में प्रवेश कर चुका है। भगवान अंदर आते हैं, कंस अपने कुछ दैत्यों को भेजता है। बलराम जी कहते इनको तो मैं ही देख लूंगा, उन दैत्यों का वध करते हैं। अब सामने कंस आता है, भगवान और कंस का युद्ध होता है। अंत में भगवान जब उसका वध करते हैं, वो माफी मांगता है कि भगवान उसे छोड़ दे। भगवान कहते हैं ये दया कब तब कहां थी जब मेरे 6 भाइयों को तुमने क्रूरता से मारा था। और भगवान अपने हाथों का प्रहार कंस की छाती पर करते हैं कई बार, और इस प्रकार वो उनका वध करते हैं। बोलिए किसके कन्हैया लाल जी। तो इस प्रकार भगवान कंस का उद्धार करते हैं, कंस का वध करते हैं।